आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एम्पेम्बा इफेक्ट के बारे में, और इस इफेक्ट के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशंस प्रपोज किए गए हैं इसके बारे में। एम्पेम्बा इफेक्ट एक ऑब्जर्वेशन का नाम है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में तेजी से जम सकता है। इस इफेक्ट का नाम तंजानियन साइंटिस्ट इरास्टो बार्थोलोमियो एम्पेम्बा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1963 में जब वो सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट थे तभी उन्होंने डिस्क्राइब किया था। जबकि एरिस्टोटल, फ्रांसिस बैकन, रेने डिस्कार्टेस ने इस इफेक्ट को सदियों पहले नोटिस किया था। ये है इरास्टो एम्पेम्बा। रिसर्चर्स ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है ये जो कंफ्यूजिंग फेनोमेनन है इसके कॉज को जानने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा कंक्लूजन नहीं आया है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी प्रपोज्ड किए गए हैं इस फेनोमेनन को प्रूव करने के लिए, जैसे माइक्रोबबल इंड्यूस्ड हीट ट्रांसफर। जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो वाटर के सरफेस पे छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। ये बबल्स जब वाटर कूल होता है तो ये तेज़ी से कूल होते हैं, जिसके कारण तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होता है। इवेपोरेशन, वार्मर वाटर तेज़ी से इवेपोरेट्स होता है जिसके कारण हीट बाहर आ जाता है। कन्वेक्शन, ये एक तरह का मोशन है जिसमें वार्मर पोर्शन वाटर बॉडी का या फिर गैस का ऊपर आ जाता है और कोल्डर पोर्शन सिंक हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर वाले वाटर का डेंसिटी कम हो जाता है, जिसके कारण कन्वेक्शन करंट सप्रेस हो जाता है। हॉट वाटर का डेंसिटी लोअर होता है, वो इस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है और इनिशियल कूलिंग जो रैपिडली हो रहा है उसको वो सस्टेन करके रखता है, और इस हायर कन्वेक्शन के कारण वार्मर वाटर में तेज़ी से आइस क्रिस्टल स्प्रेड होने लगता है। फ्रॉस्ट का इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है, कम टेम्परेचर वाले वाटर में उसका जो टॉप लेयर है वो फ्रीज होने लगता है, जिसके कारण हीट लॉस जो कि रेडिएशन या एयर कन्वेक्शन के कारण होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जबकि वार्मर वाटर में वाटर कन्वेक्शन के कारण बॉटम या फिर साइड से फ्रीज होने लगते हैं। सॉल्यूट्स, वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर अदर मिनरल्स जो डिजॉल्व होते हैं वो वाटर को बॉयल करने पर बाहर आ सकते हैं, और जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।